इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिए थे, पोटेंशियल के बारे में जान लिए पोटेंशियल क्या होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। किसके बारे में? कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटर। तो सबसे पहले जानिए कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर यानी कि एक धारिता जिसमें आवेश ग्रहण, जैसे कि मानते हैं हम एक कंटेनर ले लेते हैं बड़ा सा, और उसमें क्या करते हैं पानी डालते हैं। पानी को डालते हैं जब तक कंटेनर यानी कि इस एक लीटर इसमें पानी डालने की क्षमता कितनी है, एक लीटर। और ये जब यहाँ तक पानी आ जाता है तो ये पानी इसके बाद डालने के बाद क्या होता है, ये बाहर गिरने लगता है। उसी तरह धारिता यानी कि आवेश, जब हम इसको आवेश देते हैं, आवेश देने से ये क्या होता है, इसमें आवेश अगर देंगे, जैसे पानी भरने से क्या हो गया, ये बाहर गिरने लगा। जब आवेश की मात्रा जब देते हैं हम किसी चालक पे, जितना ज़्यादा आवेश, मान लीजिए इस चालक पे हम आवेश बढ़ाते हैं, तो आवेश बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा इसका, जब आवेश बढ़ेगा तो इसका विभव भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा आवेश दीजिएगा उतना ज़्यादा विभव क्या हो जाएगा इसका, बढ़ेगा। आवेश की मात्रा कम होगी, विभव की मात्रा क्या हो जाएगी, कम होगा। यानी कि क्यू जो हो गया, आवेश जो हो गया, वो समानुपाती हो जाएगा किसके, विभव के, भी के। जितना ज्यादा आवेश की मात्रा होगी उतना ज्यादा किसकी मात्रा होगी, भी यानी विभव की मात्रा उतनी ज्यादा होगी। तो क्यू समानुपाती हो गया भी, तो क्यू जब समानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या देते हैं, सी, यानी कि कैपेसिटर, इसको हम सी इंटू वी लिखें। और ये सी क्या है, सी एक समानुपातिक नियतांक है। सी क्या है, एक समानुपातिक नियतांक, जिसे हम चालक की धारिता भी कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, चालक की धारिता। तो C यानी Q बराबर क्या फॉर्मूला बन गया, Q बराबर C into V। अगर आपसे पूछा जाए धारिता C बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q by V, Q by V। उसी चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको देखिएगा, यहाँ पे देखिए इसको, सबसे पहले देखिए चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी किसी चालक में इसकी धारिता कितनी होती है, तो वो डिपेंड किस पे करता है, उसके आवेश पे। जितनी ज्यादा उसकी धार आवेश की मात्रा ज्यादा होगी, विभव की मात्रा भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए देखिए जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो चालक के विभव में वृद्धि होती है। जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। प्रयोग से यह पाया गया है कि चालक का विभव चालक पर उपस्थित आवेश के समानुपाती होता है, यानी कि जितना Q उतना V, यानी Q समानुपाती V। तो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, C इंटू V, जहां C क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है, इसे चालक की धारिता कहते हैं। अब चालक की धारिता का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए चालक की धारिता का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, जब किसी यानी किसी चालक के विभव में एकांक वोल्ट की वृद्धि करने के लिए जितनी आवेश की आवश्यकता होती है, यानी एकांक वोल्ट की वृद्धि करने के लिए जितनी आवेश की आवश्यकता होती है, उस आवेश को चालक की धारिता कहते हैं। Q बराबर C इंटू वी, यानी C बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q by V। Q C क्या है, धारिता, और Q क्या है, आवेश, V क्या है, विभव। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे इसके। अब इसके गुण क्या हो जाते हैं, चालक की धारिता का गुण, यानी कि किसी चालक की धारिता आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को व्यक्त करता है। तो आपको बताएं कि आवेश यानी धारिता क्या होता है, किसी चालक की धारिता आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को व्यक्त करता है। किसी की धारिता ज्यादा होगी, किसी की धारिता कम होगी, यानी कि इसमें आवेश की मात्रा क्या होगा, कम या ज्यादा हो सकता है। चालक की धारिता का ऐसा ही मात्रक। अब देखिए यहाँ पे मात्रक निकालेंगे, Q बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, सॉरी C बराबर फॉर्मूला क्या है, Q बाई वी। Q क्या है, आवेश है, Q आवेश है, और आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम, तो क्या लिखेंगे, कूलम। यहाँ पे आवेश का मात्रक हो गया कूलम। विभव यानी विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट।
तो इसी चीज को यहाँ पे लिखे हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, कूलम पर वोल्ट होता है, इसे फैराड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फैराड कहते हैं, यानी कि एक कूलम प्रति वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैराड। एक कूलम बराबर, तो एक यहाँ पे लिख देते हैं एक लाइन, एक कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैराड। 1 कूलम प्रति वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैराड। 1 फैराड को डिफाइन करें, जब किसी चालक को 1 कूलम आवेश से आवेशित किया जाए तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। जब अगर किसी चालक को हम 1 कूलम आवेश से आवेशित करें और उसमें विभव में वृद्धि कितनी हो, 1 वोल्ट हो, तो वो 1 वोल्ट हो तो उसे 1 फैराड कहते हैं। 1 कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैराड। चलिए हो गया। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट, 1 कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैराड। तो 1 मिली कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू 1 मिली कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10^-3 फैराड। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मिली फैराड। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 मिली फैराड इज इक्वल टू 10^-3 फैराड। 1 माइक्रो फैराड यानी कि माइक्रो फैराड इज इक्वल टू 10^-6 फैराड। अब देखिए 1 मिली फैराड, 1 माइक्रो फैराड, 1 नैनो फैराड, 1 नैनो फैराड एंड एफ इज इक्वल टू 10^-9 फैराड। तो ये आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। 1 मिली फैराड बराबर कितना फैराड होता है, 10^-3 फैराड। 1 माइक्रो फैराड बराबर 10^-6 फैराड। 1 नैनो फैराड बराबर कितना होगा, 10^-9 फैराड। इसी तरह आपसे पूछ सकता है 1 पिको फैराड, 1 पिको फैराड इज इक्वल टू 10^-12 फैराड। ये कुछ नोट कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसका विमीय सूत्र पॉइंट नंबर कितना था, 2। पॉइंट नंबर थ्री इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे C बराबर फॉर्मूला क्या है, Q/V। Q क्या है, आवेश। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT। विभव यानी कि क्या है, विभव। विभव का मात्रक ये विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m^L²(P^-3)/(A^-1)। हम इसको नोट करेंगे, ऊपर ले आएंगे, ये क्या होगा, m^(1) है तो ऊपर -1, l^(2) ऊपर आके -2, t^-3 ऊपर आके +3 +1, t^(4) a^-1 +1 ऊपर आके +, तो ये क्या होगा, a^2। यानी इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m^-1, l^-2, t^(4) और a^2। इसका विमीय सूत्र इतना होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे।
कि किसी किसी चालक की धारिता किसी चालक की धारिता आवेश तथा विभव से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है, यानी किसी चालक की धारिता उसके आप उपस्थित आवेश और विभव से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, उसमें उपस्थित आवेश और विभव से स्वतंत्र। नेक्स्ट पॉइंट, चालक की धारिता किन पे निर्भर करती है, चालक की धारिता, तो देखिए चालक की धारिता किस पे डिपेंड करती है, चालक की धारिता उसके ज्यामिति पे, ज्यामिति का मतलब उसके आकार एवं आकृति, उसकी आकार बड़ी है तो उसके धारिता क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा, आकृति आकृति छोटा है तो वो कम होगा। तो चालक की धारिता किस पे डिपेंड करती है, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, उसके ज्यामिति पर। पॉइंट नंबर टू में क्या लिखेंगे, इसके इर्द गिर्द के माध्यम पे, उसके चारों तरफ के माध्यम पे, तो लिख लेते हैं पहला चालक की धारिता किस पे, चालक के ज्यामिति, ज्यामिति पर। पॉइंट नंबर टू में लिखेंगे चालक के माध्यम पर, सॉरी चालक के चारों ओर के माध्यम पर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर। पॉइंट नंबर थ्री क्या होगा, किसी दूसरे चालक, यानी चालक के निकट रखी किसी दूसरे चालक पर, चालक के निकट रखे दूसरे चालक पर, यानी कि किसी कैपेसिटर, यानी चालक की धारिता किन किन बातों पे निर्भर, यानी किन पे डिपेंड होगा, चालक के ज्यामिति यानी उसके आकार एवं आकृति पर, उसके बाद चालक के चारों ओर का माध्यम, यानी उसके इर्द गिर्द कौन सा माध्यम है, चारों ओर का माध्यम क्या है। पॉइंट नंबर थ्री में क्या होगा, चालक के निकट रखे किसी दूसरे चालक पर, यानी चालक के निकट रखे किसी दूसरे चालक पर उसका धारिता क्या होगा अलग, यानी कि एक चालक है और दूसरा चालक रखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं ये प्लस चार्ज वाला और ये माइनस चार्ज से किसी है, तो ये एक दूसरे पे क्या होगा, इस पे डिपेंड करेगा, इसकी धारिता पे प्रभाव पड़ेगा, तो ये इसके धारिता पर निर्भर करता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए सबको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हवा में गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करें। अभी आपको बताया धारिता यानी कि चालक की धारिता हवा में क्या होगा, सपोज मान लेते हैं एक ये चालक है, इस चालक पे आवेश वितरित है एक समान रूप से, आवेश क्या है क्यू है, और ये हवा यानी एयर में रखा हुआ है, इसकी धारिता ज्ञात करनी है, ये इसका सेंटर सी और यहाँ से इसकी त्रिज्या क्या हो गया ये आर। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं माना, क्या लिखेंगे माना आर त्रिज्या, देखिए क्या लिखेंगे, एक जो फिगर बना है माना आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिसकी जिसके चारों तरफ आवेश क्या है एक समान रूप से वितरित है, तो लिखेंगे माना आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, गोलीय चालक है,
जिस पर आवेश Q, आवेश Q एक समान रूप से, एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से क्या है आवेश Q वितरित है। तो सबसे पहले देखिए इसका विभव निकालेंगे, इस बिंदु पर विभव क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C is equal to Q by V। तो हमको भी मालूम होगा इस बिंदु पे, तो हमें इस माध्यम का धारिता क्या होगा निकल जाएगा। तो इस बिंदु पे भी का मान निकाले थे, भी का फॉर्मूला क्या था, 1/4 pi सतह पर, इस बिंदु पे याद कीजिए 1/4 pi epsilon naught q/r, ये आया था विभव, यानी कि इस बिंदु पर गोलीय चालक का विभव क्या आया था, ये चीज तो लिख लेते हैं यहाँ पे, गोलीय चालक का विभव, गोलीय चालक का विभव क्या होता था, का विभव इस सतह पर विभव क्या हो जाएगा, V is equal to 1/4 pi epsilon naught और क्या हो जाएगा q/r। तो ये हो गया चालक की धारिता यानी कि चालक का विभव। अब क्या निकालेंगे, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता क्या हो जाएगा, तो ये C बराबर फॉर्मूला Q by V, चालक की धारिता का फॉर्मूला C बराबर Q by V। तो C is equal to क्या हो, Q और V का मान 1/4 pi epsilon naught Q by R, Q से Q cancel, तो C is equal to फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C is equal to फॉर्मूला 4 pi epsilon naught, ये 4 pi epsilon naught r ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या होगा 4 pi epsilon naught और ये बटा r, ये इनटू r हो जाएगा। तो कैपेसिटर एयर में, कहां पे, हवा में धारिता क्या हो जाएगा 4 pi epsilon naught इनटू r। तो ये नोट कर लीजिएगा, c is equal to क्या हो गया 4 pi epsilon naught इनटू r। इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से बनेगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आवेशित चालक में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक करें। ये बोर्ड एग्जाम में हर एक बार जरूर पूछता है, ये VVI है, आवेशित चालक में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, जैसे कि हम बताए थे कि जब किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह तक लाते हैं उसमें कार्य करते हैं, और वो जो कार्य होता है उस कार्य ऊर्जा के रूप में उसमें संचित हो जाता है, वही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। जैसे कि लिखें, जब किसी चालक को आवेशित करने के लिए बाहरी बल के द्वारा कार्य किया जाता है, आवेशित चालक यानी कि किसी चालक को आवेशित करने के लिए हम बाहरी बल के द्वारा क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और वही बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य आवेशित चालक में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है, संचित हो जाता है, यानी कि उस संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम U द्वारा संचित करते हैं। U बराबर क्या हो जाएगा, W external, U बराबर W external। तो अब इसका व्यंजक क्या होगा, तो हम U बराबर, यानी कि अगर हमें U निकालना है तो किया गया कार्य निकालना पड़ेगा, यानी उस वस्तु पे किया गया कार्य निकलेगा, वही उसका क्या होगा, संचित स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले देखिए फिगर बना लेते हैं, मानते हैं ये गोलीय चालक है, ये क्या है, गोलीय चालक है, इसपे आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से आवेश क्या ये वितरित है। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक समान रूप से आवेश क्यों वितरित है, इसकी धारिता कितनी है, C है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, माना गोलीय चालक पर, माना गोलीय चालक पर आवेश Q, आवेश Q एक समान रूप से, एक समान रूप से वितरित है, जिसकी
धारिता, जिसकी धारिता C है, इस चालक की धारिता क्या है, C है, और इसके एक समान रूप से आवेशित किया गया है क्या चीज, इसका आवेश क्या है, Q, एक समान रूप से। अब देखिए, जब एक समान रूप से आवेशित किया गया आवेश क्या है, Q है, इसकी धारिता क्या है, C है, तो इस चालक का विभव कितना होगा, तो लिखेंगे गोलीय चालक का विभव, का विभव, तो बताइए विभव बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि यानी कि Q बराबर फॉर्मूला क्या था, C इंटू V, तो V बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q बाय C, तो यहाँ पे लिखेंगे चालक का विभव V इज इक्वल टू Q बाय C, Q बाय C। अब देखिए यहाँ पे तो V बराबर क्या हो गया, Q बाय C। अब हम एक आवेश यानी छोटा सा आवेश ले लेते हैं, इसकी त्रिज्या आ गया R। अब मान लेते हैं एक छोटा सा dQ आवेश को अनंत से लाने में बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए dQ आवेश को अनंत से बाहरी अनंत से बिंदु तक लाने में बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य। तो जब आवेश यानी कि dQ आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो जब आवेश छोटा सा है तो वर्क भी क्या होगा, छोटा dW external is equal to क्या हो जाएगा, W बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर फॉर्मूला आवेश इंटू विभव, आवेश इंटू विभव, तो आवेश क्या हो जाएगा dQ इंटू V, dQ इंटू V, तो dW external बराबर dQ इंटू V का मान, V बराबर Q बाय C, तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से dW external बराबर, इसको लिख लेते हैं 1 बाय C इंटू Q d, क्या लिखिए W external बराबर यानी कि 1 बाय C Q इंटू dQ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे निकल गया छोटा सा वर्ग, क्या निकल गया हमें छोटा सा वर्ग, अब इसको टोटल वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या लिखेंगे, इस सतह पर यानी कि इस सतह पर लाने में बाहरी बल के द्वारा किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा, बाहरी बल के द्वारा किया गया कुल कार्य देखेंगे यहां से हो गया। अब इसके बाद देखेंगे चालक को क्यू आवेश से आवेशित चालक को किस आवेश से, क्यू आवेश से आवेशित करने में बाहरी बल के द्वारा टोटल कार्य निकालेंगे, तो लिखेंगे चालक को क्यू आवेश से आवेशित करने में बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य, बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य, बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, यानी dW external is equal to इंटीग्रेशन, हम दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे इंटीग्रेशन, और यहाँ पे एक मान क्या निकला है 1 by C Q into dQ, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, आवेश को हम Q आवेश से टोटल आवेशित करने जा रहे हैं, तो आवेश कहाँ से, जीरो से, पहले आवेश क्या होगा जीरो, अब टोटल आवेश क्या हो जाएगा Q, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से Q
क्यू तक। ठीक, कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर 1 बाय सी को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, क्यू इंटू डी क्यू, लिमिट कहाँ से 0 से क्यू, इंटीग्रेशन डी का मान क्या हो गया 1, तो ये क्या बचेगा, यहाँ इसको क्लियर करके लिख देते हैं, इसको यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल इंटीग्रेशन D का मान, इसका मान क्या हो गया 1, तो क्या बचेगा W एक्सटर्नल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से Q तक Q इंटू डी क्यू, तो W एक्सटर्नल इंटीग्रेशन Q डी क्यू, क्या फॉर्मूला होता है आपको याद कीजिए, इंटीग्रेशन X dx फॉर्मूला क्या होता था, इंटीग्रेशन x पे पावर 1, तो इंटीग्रेशन हटेगा तो 1 प्लस 1 अपरकार में 1 प्लस 1 यानी लिखते थे x पे पावर 2 बाय 2, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसी तरह लिखेंगे इसको q पे पावर 2 बाय 2 और लिमिट कहाँ से 0 से q तक, ये समझ में आया, इंटीग्रेशन का पावर x, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन x पे पावर 1 dx इक्वल टू क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन 1 dx, तो ये x पे पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 यानी कि x स्क्वायर बाय 2, तो यहां पे x के जगह पे क्या q है, तो ये क्या होगा q स्क्वायर बाय 2, तो w एक्सटर्नल बराबर q स्क्वायर, अब यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन से हम करेंगे अपर लिमिट क्या है q स्क्वायर, तो q स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2, तो W एक्सटर्नल बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, अब देखिए 1 बाय सी यहाँ पे बाहर है, 1 बाय सी, 1 बाय सी यहाँ पे भी इसको लिख देंगे W एक्सटर्नल 1 बाय सी, 1 बाय सी, ये क्या होगा Q स्क्वायर बाय 2, यानी W एक्सटर्नल बराबर फॉर्मूला क्या बन गया, Q स्क्वायर बाय 2 सी, यानी कि W एक्सटर्नल बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, Q स्क्वायर बाय 2 सी। अब देखिए इसी में नेक्स्ट हम देखते हैं इसको, W external is equal to Q square by 2, अब ये निकल गया यानी अतः, अब क्या लिखेंगे, आवेशित, अतः आवेशित चालक में, आवेशित चालक में संचित, संचित स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा, हम बताए थे कि बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य, इसको क्लियर कर लीजिए ऊपर से, किया गया कार्य उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जो कि बताए थे U is equal to W external, तो वही लिखेंगे U is equal to W external, तो U is equal to W external का फॉर्मूला क्या है, Q square by 2C, Q square by 2C, तो ये हो गया एक फॉर्मूला। अब देखिए इसमें आपको आवेश दिया रहे और धारिता दिया रहे, तो U का मान निकल जाएगा, अब इसी को हम दूसरे तरीके में दूसरा देखिए फॉर्मूला क्या है, U बराबर Q square को हम लिख सकते हैं Q into Q by 2C, लिख सकते हैं U बराबर, इसको हम फिर से क्या लिखेंगे, U is equal to Q into Q, एक Q को रहने दीजिए, और एक Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर फॉर्मूला आपको होता है C into V, Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है C into V, तो यहाँ पे एक Q के जगह पे लिखेंगे C into V और 2C, एक C से एक C क्या हो गया कैंसिल, U is equal to एक और फॉर्मूला क्या बन गया Q into V by 2, यानी U is equal to एक और फॉर्मूला क्या हो गया Q by 2, अब देखिए इसको दूसरा फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला क्या बनेगा, U is equal to Q square by 2C, तो U is equal to क्या हो जाए, Q square के लिए अपन क्या लिखेंगे, C into V का square, C square, V square by 2C, हो गया, अब देखिए ये क्या बनेगा, U is equal to C square V square by 2C, एक C से एक C क्या हो जाएगा, इसका कैंसिल,
तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा, ये C into V by 2, यानी कि U बराबर फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा, U बराबर एक फॉर्मूला Q square by 2C, दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से देखिए, Q into V by 2, Q into V by 2, और तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, C into V by 2, ये फॉर्मूला बनेगा इसका। यानी कि इस फॉर्मूला से देखिए आपको आवेश दिया रहेगा और धारिता रहेगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे इसको निकालने के लिए। अगर आपको धारिता नहीं दिया रहे, आवेश और विभव दिया रहे, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे Q और V by 2। अगर आपको आवेश नहीं दिया रहे, धारिता और विभव दिया रहे, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, CV by 2। तो ये एक से आपको इतने सारे फॉर्मूले बनेंगे, ये नोट कर लीजिए। U is equal to क्या हो जाएगा, Q square by 2C, Q into V by 2 और Q C into V by 2। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसकी त्रिज्या दी हुई है 6400 किलोमीटर। तो अब बताइए इसकी हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी धारिता ज्ञात करनी है। तो धारिता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला अभी आपको बताए थे, और ये धारिता फॉर्मूला क्या था, C is equal to 4 pi epsilon naught R। तो R का मान दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 64 × 10^2, और 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1000 मीटर, यानी कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 64 × 10^2, 10^3 कितना होगा, 10^5 मीटर। अब बताइए C is equal to कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9×10^9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, 1/9×10^9 हो जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या रखेंगे, 1/9×10^9 इंटू आर बार का वैल्यू कितना है, 64×10^5। कैलकुलेट करेंगे इसको, सी इज इक्वल टू 64/9×10^5, 10^9 ऊपर आके -9 हो जाएगा, तो ये पावर -9। तो सी इज इक्वल टू 64/9×10^-5 में से 9 जाएगा, यानी कि -4×10^-4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C is equal to 7.11×10^-6। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 7.11×10^-4। ये -4 में हो जाएगा इसका आंसर, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को, उसको बनाइएगा। इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर 4×10^-6 कूलम आवेश दिया गया है। चालक के आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन बनाने का तरीका देखिए,
स्थितिज ऊर्जा क्या है, क्या पूछा है यहाँ पे, स्थितिज आवेश दिया हुआ है क्यू इज इक्वल टू 4×10⁻⁶ कूलम, इतना कूलम दिया हुआ है। अब नेक्स्ट चीज क्या दिया है इसका, आर यानी त्रिज्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिए 9×10⁻²। होगा अब उसके बाद यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू हो गया, तो यहाँ पे अब देखिए निकालना क्या है, स्थितिज ऊर्जा यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। तो अब कहेंगे कि सर सी का मान तो है नहीं, सी कैसे निकालेंगे, सी का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखेंगे यू बराबर क्यू स्क्वायर बाय टू इंटू सी का मान, सी बराबर फॉर्मूला क्या था 4πε0 इंटू आर, तो लिख देंगे 4πε0 इंटू आर। तो U is equal to क्या फॉर्मूला हो गया, आवेश का मान कितना है 4×10⁻⁶ का स्क्वायर बाय 2 इंटू 4πε0 का मान 1/9×10⁻⁹, और R का मान कितना है, ये हो गया 9×10⁻²। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे सबको एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 4×16×10⁻⁻, पावर पे पावर क्या हो मल्टीप्लाई 12/2×9×10⁻², और ये हो जाएगा 9×10⁻⁹, ये ऊपर आ जाएगा ये 8, ये 9 से 9 कैंसिल। तो U इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, 10^(-12) में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 10^(12)-9 जाएगा 3, और बाय 10 तो ये हो गया 8×10⁻³, यहाँ पे लिख देते इसको 8, U इज इक्वल टू 8×10⁻³/10⁻²। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10^-3 ऊपर आके +2, U इज इक्वल टू 8×10⁻¹, यानी U इज इक्वल टू 0.82, आंसर क्या हो जाएगा इसका 0.82। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं उसको आप लोग बना लीजिएगा घर से। एक चालक जिसकी धारिता, एक चालक जिसकी धारिता 20 मिली फैराड है, वो 1000 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यानी चालक का क्या लिखेंगे, चालक की स्थितिज ऊर्जा निकाले, आंसर हो जाएगा इसका 10^4 जूल। आप लोग इसको बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखिएगा धातु के 9 मीटर त्रिज्या वाले धातु के 9 मीटर त्रिज्या वाले गोले की विद्युत धारिता ज्ञात करें, इसका आंसर है 10^-3 माइक्रो फैराड।
फोर नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइव नंबर में 50 वोल्ट की बैटरी, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, बैटरी से 12 पिको फैराड धारिता के किसी संधारित्र को जोड़ने पर उसमें कितना स्थितिज ऊर्जा संचित होगा। आंसर है इसका 1.5 × 10⁻¹⁸ जूल। सर आप तो इसको बना लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन ये दे दिए इसको बना लीजिएगा, बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसको आप लोग बनाकर भेज दीजिएगा, हम इसको चेक करके बता देंगे ये सही है या नहीं इस तरह से। ठीक है, आज के लिए इतना ही।